सबरंग जियो के संग सबरंग आपका अपना शो, एक ऐसा प्रोग्राम जो निखारे आपकी सलाहियतों को, आपके टैलेंट को। इस प्रोग्राम में हम इतराफ करेंगे उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स का जिन्होंने अमेरिका में अपनी कामयाबी का सफर तय किया। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और तफरीही प्रोग्रामों की झलक। आइए प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, खुद होस्ट कीजिए अपने प्रोग्राम को। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबरंग शो पे आप सबको खुश आमदीद। आपके आज के इस प्रोग्राम में फराह कामरान आपकी मेज़बान। आज का प्रोग्राम एक मुख्तलिफ नौयत का प्रोग्राम है जिसमें हम एक अदबी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने वाले हैं। अमजद इस्लाम अमजद अदबी उफक पे कादिर चमकते रहे और बहुत से हवाले से अपने नकूश छोड़ गए हैं। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। और अगर अपनी याददाश्त के हवाले से शुरू करूं, मेरे ख़्याल में एक बहुत ही हवाला जो अमजद इस्लाम अमजद का बना वो वारिस ड्रामा था, के बाद शायरी, कॉलम निगारी और एक कॉलम लिखते रहे मुख्तलिफ हवाले से, तो एक हम जहर शख्सियत हमारे सामने आई और हमें अचानक इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया, बहुत ही अचानक, जिसके लिए, जिस सदमे के लिए हम लोग अभी तैयार नहीं थे। तो आज सबरंग शो पे हमने ये एहतमाम किया है कि कुछ अपने साथियों से जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू की जाए, कुछ याददाश्तें ताज़ा की जाएं और जिस तरह से भी मुमकिन हो उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। तो सबसे पहले हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं हसन जलील साहब, इनका ताल्लुक PTV से रहा है और ज़ाहिर आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एक कमेंटेटर की हैसियत से अपनी पहचान बना चुके हैं और मुझे यकीन है चूँकि ये PTV से वाबस्ता भी रहे हैं और इस तरह से काम करते रहे TV के लिए, तो मुझे यकीन है कि अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से भी इनका यकीनन कोई ना कोई ऐसी याददाश्तें होंगी जो हमसे आज ये शेयर करेंगे और हम उनको याद कर सकेंगे उस हवाले से। जी हसन जलील साहब, बहुत शुक्रिया फराह। जिस तरह आपने कहा कि अमजद इस्लाम अमजद एक हम जहद शख्सियत थे, इतने रंग उनकी शख्सियत में थे, इतने पहलू उनकी शख्सियत में थे कि अल्फाज मेरा ख्याल है शायद उनका आता ना कर पाए। जी मेरे साथ उनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल ही और तरीके से शुरू हुआ, अदब की दुनिया से बिल्कुल अलग हटकर, टेलीविज़न की दुनिया से अलग हटकर, एक क्रिकेटर की हैसियत से। अच्छा। बहुत से लोगों को शायद ये बात पता ना होगी कि अमजद इस्लाम अमजद बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। जी। तो मॉडल टाउन में उनसे क्रिकेट के ग्राउंड में मुलाकात हुई, किसी ने तारुफ करवाया कि जी अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं और ये अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और क्रिकेटर की हैसियत से हमारा उनका साथ शुरू हुआ। उसके बाद वो टेलीविज़न की सरदों में पहुंचा और फिर उन्होंने मेरे साथ एक कमेंट्री की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर, जो गार्ड की सेरेमनी होती है वो मैं रेगुलरली किया करता था, उसमें 2 साल अमजद इस्लाम अमजद भी शामिल हुए। और सच्ची बात है कि उस वक्त उनके पास बैठकर न सिर्फ ये कि उनकी गुरबत का एहसास हुआ बल्कि उनके जो परत थे वो खुलने शुरू हुए और फिर मुझे एहसास हुआ कि उन कितनी गहराई है, कितनी वसत है उनके ख्यालों में, उनकी सोच में। फिर मैंने उनकी किताबें जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो मैंने पढ़नी शुरू की, तो जाहिर है कि और ज़्यादा उनसीयत पैदा होती चली गई। तो बहुत ही ये तकलीफ़देह अमल होता है कि जब आप किसी ऐसे शख्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो आपसे दूर जा चुका हो, जो रुख्सत हो चुका हो, ये बड़ा तकलीफ़देह अमल है। और मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं सोचा करता था सितारे जब टूटते थे कि जी ये सितारे टूटते हैं तो इनके साथी क्या फील करते होंगे, क्या वह जगह खाली हो जाती होगी, क्या उस जगह को कोई पुर करता होगा। अब आज इस उम्र में आकर भी इस बात का एहसास जहन में होता है और जब भी कोई शख्स हमसे रुख्सत होता है तो मेरे जहन में फौरन उस टूटे हुए सितारे का तस्वुर उभर आता है। उनकी जो खिदमात हैं वो भी ना भूलने वाली खिदमात हैं और हम यही कह सकते हैं कि वो जिस जगह हैं वहाँ भी वो उसी तरह खुश रहें और अपने रंग बघेरते रहें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो हम आगे चलते हैं, डॉक्टर शफीक हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी कम से कम जो एक छोटा सा कबीला है हमारा अदबी दुनिया का उसमें बहुत मोतबर हवाला है, तो मैं गुजारिश करूँगी कि डॉक्टर शफीक से कि वो अपनी याददाश्त शेयर करें हमसे। अमजद इस्लाम अमजद के साथ मेरा तारफ़ गायबाना उनकी जो वारिस ड्रामा था वो जब मैंने TV पे देखा, यहाँ पे उस वक़्त बाबर जो TV चला रहे थे उस पर मैंने देखा, तो आई वॉज सो इम्प्रेस। और
उस वक्त तो मुझे नाम का पता नहीं चला, लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई यार किसका लिखा हुआ है, तो कहते कि भाई ये अमजद इस्लाम अमजद है। तो मेरे दिल में ये बात अटकी रही कि जब भी कभी मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ मुलाकात करूँगा। मुलाकात का मौका मुझे तब मिला जब लॉन्ग आइलैंड में ये जाहिद के हाँ ठहरे हुए थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ, भाई ये तो मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है। अच्छा, उधर मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि उधर उनके साथ मेरी एक वारिस के एक सीन पे मेरी उनके साथ गुफ्तगू, इसमें थोड़ी सी खुद सताइशी भी है। कोई बात अच्छा नहीं। उसको तो मैंने उनको कह दिया कि जब वो चौधरी का बेटा जब कत्ल होता है, उस जनाजे का जो सीन है ये मैंने बहुत ही कम देखा है, और क्या सीन आपने फिल्माया वो किया है फिल्माया है। तो कह रहा था कि या दूसरे पठान हैं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा पहला पठान कौन था? वो कह दिलीप कुमार थे। वो कह दिलीप कुमार ने इतना कहा कि ये सीन हमने शक्ति में फिल्माया हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बाहर सूरत इतनी ही मेरी उनके साथ गुफ्तगू, बाकी शायरी तो उनकी जो हम YouTube पे बकायदा सुनते हैं और इम्प्रेस भी हैं कि भाई वो वाकई एक बहुत बड़े राइटर थे, खासकर स्टोरी राइटिंग के हवाले से। तो मैंने उनके मुकाबले का अभी तक देखा नहीं हो गया, लेकिन ये है कि मेरी नज़र से नहीं गुजरी। दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई यासीन के घर में, यासीन ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाएं अमजद इस्लाम, तो मैं बस खुशी उधर चला गया। खैर, मैंने उनको उधर से फिर ड्राइव करके मैनहट्टन ले आया, जहाँ पे ये कौंसलेट जनरल के साथ ठहरे हुए थे। तो इतनी यादाश्तें उनके साथ मेरी शामिल हैं। बाकी अब्दुर्रहमान अबद ने उनकी बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने मुख्तसर इसलिए किया ताकि इनको टाइम ज़्यादा मिले और बहुत अच्छी बातें ये करेंगे उनके बारे में, इसलिए कि बहुत क्लोजली उनके साथ रहें। ओके जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब। ख़ास बात ये थी कि उनकी शायरी आम फहम थी, तो मुझे याद है वो उनकी नज़में होती थी तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो, तो वो ज़बान इस तरह की नज़में जो थी हमारी, हमें याद होती थी ज़बानी, हम पढ़ा करते थे। हम याददाश्तें शेयर कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ख्याल है, हो सकता है कि मैं 100% दुरुस्त नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका में जितने भी अदीब और शायर या उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, मुझे यह एहसास हासिल है कि आखिरी मुलाकात उनसे मेरी थी। और बड़ा एक यकीन नहीं, क्योंकि मैं इस सारी दुनिया में बहुत देर से दाखिल हुई हूँ, और मेरे लिए एक वो बहुत मोहतरम शख्सियत थे, कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि उनसे मुलाकात होगी। तो एक छोटी सी याददाश्त अगर मैं अपनी भी शेयर कर लूँ, तो उसके बाद हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब से बात करें। पिछले साल अपना में आए थे, छोटी मुख्तसर सी मेज़बानी का जो शरफ़ मुझे हासिल हुआ, उसके बाद हमेशा उन्होंने कहना फ़रा बेटा, फ़रा बच्चा, फ़रा बेटा, बड़ा अच्छा। उसके बाद उन्होंने इतनी खुलूस से मुझे अपने अगले दिन अपने घर बुलाया, हालांकि मेरे प्लान में नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सकी और मैं उनके घर गई हूँ और चाय पी। और जिस तरीके, सबसे बड़ी बात यह कि वो लड़खड़ा रहे थे मैंने देखा, उसके बावजूद वो मेरी फैमिली को लेने के लिए घर गेट से बाहर आए, इसी तरह हमें छोड़ने के लिए गेट से बाहर आए। तो मैं समझती हूँ ये वो जनरेशन है, ये वो लोग हैं जो अपने साथ एक पूरी तहजीब लेके जा रहे हैं। हमें हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा गहरा और ताल्लुक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब से ही है, तो अब हम इनसे पूछेंगे कि अपनी याददाश्तें उनके हवाले से कुछ हम लोगों को बताएं। फरा, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का डॉक्टर साहब। आपने भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नई बातें अमजद भाई के हवाले से की, आप हसन जलील साहब ने भी। मैं वो खुशकिस्मत इंसान अपने आप को समझता हूँ जिसके साथ ताल्लुक रहा अमजद इस्लाम अमजद का। मेरे ख्याल में मेरी तमाम जो शायरी की जो मेरी ज़िंदगी है उसमें वो तकरीबन शुरू से ही मेरे साथ रहे। इत्तेफाक़ यह है कि उनकी तारीख़ पैदाइश और मेरी तारीख़ पैदाइश में सिर्फ 2-3 माह का फ़र्क है। अच्छा। मेरे हम उम्र भी हैं, तो मैं चूँकि पहले मेडिकल प्रोफेशन में रहा और शायरी की तरफ मेरा ध्यान नहीं था, 40 बरस की उम्र में मैंने पहला शेर कहा जी और नात से आगाज़ किया था।
तो खैर वो नात के अशार तो मैंने वो एक दो साल में वो एक अपना नातिया मजमुआ सामने ले आया, और उसके उस वक्त उसकी जब तकरीब थी रुनमाई की इस्लामाबाद में, तो वहाँ मेरी पहली मरतबा इस्लाम इनसे मुलाकात बिलमसाफ़ा हुई। वहाँ पर ज़मीर जावरी साहब सदारत कर रहे थे प्रोग्राम की, तो वहाँ पर इनसे मैं मिला, फिर उसके बाद इनसे दोस्ती हो गई। रमीज जाफरी साहब ने इनके बारे में कहा था उस ज़माने में, क्योंकि ड्रामे में और कालम नगारी में और इधर बहुत मसरूफ़ थे, टीवी पे बहुत नज़र आते थे अमजद इस्लाम। तो ज़मीर जाफरी साहब ने कहा, जो मुझे आज तक याद है उनका जुमला, वो कहा था उन्होंने, इस्लाम अब कम है टीवी पे, अमजद इस्लाम ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो मुझे इस तरह याद है। उसके बाद उन्हीं दिनों में, चूँकि मेरी शायरी का आगाज़ था और मैंने न्यूयॉर्क उर्दू अंजुमन की बुनियाद रख रखी थी, फिर मेरा ख्याल था कि मैं इकबाल और रूमी के हवाले से कुछ बातें करूं, तो मैंने अल्लामा इकबाल ग्लोबल फोरम की बुनियाद रखने की उस वक्त जब सोचा, तो अमजद इस्लाम अमजद को और ज़मीर जाफरी साहब को मैंने स्पेशली बुलवाया था। इत्तेफाकन उस ज़माने में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अपना जिसको हम कहते हैं, उसमें भी उर्दू प्रोग्राम हमने शुरू किए मुशायरे जी 1995 में, और उसके बाद कई बरस मैं उसका रहा करता रहा एडिटर के हिसाब से। उर्दू मैगज़ीन में मैंने उर्दू सेक्शन भी शुरू किया, और हर साल जो के मुशायरे होते थे तो मैं इनको अनवर मसूद साहब को और अमजद इस्लाम साहब को हमेशा फ़ोन करके पूछता था, आप किस किस को बुलाएं, किस को साथ ला सकते हैं आप। कई मरतबा हमारे पास आए। When your special day arrives, contact Hamza Studio. Professional photographers and cinematographers are serving over 15 years in New York. We will capture the mood that made your day so unique and turn your wedding photos into a piece of art. We also provide professional female photographers. Contact us, Hamza Studio, 34-05 37th Avenue, Astoria, New York 11101. Printing Plus, well-known name in printing. We are specialized in sublimation and DTG printing. Print your personalized t-shirts and plaques today. We also print on wood and metal. Get the best price in the market. Call 718-777-7300 or visit Printing Plus, 40-07 30th Avenue in Astoria. बुरे या मुश्किल हालात से परेशान ना हो, हर मसले का हल कुरान करीम में मौजूद है। जिंदगी आजमाइश और इम्तिहान का नाम है। याद रखिए, कलाम इलाही में बहुत बरकत है। अल्लाह की रहमत और कलाम इलाही की बरकत से तमाम काम किए जाते हैं। मुश्किलात के हल के लिए राब्ता हाफिज इमाम बुखारी साहब 9179169718। When your special day arrives, contact Hamza Studio. Professional photographers and cinematographers are serving over 15 years in New York. We will capture the mood that made your day so unique and turn your wedding photos into a piece of art. We also provide professional female photographers. Contact us, Hamza Studio, 34-05 37th Avenue, Astoria, New York 11101. हमारी ये उस वक्त ख्वाहिश तंजीम की तरफ से थी कि जो लोग भी उर्दू दुनिया में मोतबर हैं इस वक्त, चाहे वो अखबार नवीस हों, अखबारों के प्रोड्यूसर हों, या जर्नलिस्ट हों, या शायर हों, प्रोफेसर हों उर्दू के, जैसे पाकिस्तान से भी हमने काफ़ी को बुलाया, फिर इंडिया से बुलाना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि उर्दू अदब तो वहाँ पर भी बहुत है। इसी हवाले से गोपी चंद नारंग साहब, ख़ासकर फरमान फतेहपुरी साहब की फरमाइश पे और ख्वाहिश पे हमने बुलाया था, जब हमने फरमान साहब के लिए 3 दिन का जश्न किया रोज़वेल्ट होटल में न्यूयॉर्क में। तो उस हवाले से हम बुलाते रहे। अमजद भाई को हमने एक दो मरतबा अवार्ड्स भी दिए शुरू में। उसके बाद इन्हीं के मशवरे से हम बाकी शोरा को बुलाते थे, और ये जब भी हो सकता था साथ आते। कई मरतबा आए, जैसे अभी डॉक्टर शफीक साहब ने कहा कि इनकी मुलाकात उनसे उसके साथ जाहिद के घर में हुई थी, तो वो भी हमारी दावत पे आए हुए थे, और जाहिद हम मेरी उर्दू और जुमन का वाइस प्रेसिडेंट था उस वक्त, तो उसने कहा कि एक रात मैं इनको ले चलता हूँ, दो रात।
तो बल्कि उनको घर का खाना जब वहाँ मिला तो कहने लगे कुछ देना और ठहर जाते हैं उसके बाद, तो वहीं लोगों को मिलते थे। तो बड़े अच्छे दिन थे वो हमारे लिए, उर्दू दुनिया के लिए। और उसके बाद से फिर काफ़ी कुछ इनकी कंट्रीब्यूशन रही। लेकिन मैं जो बात ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ वो ये है कि इनकी काफ़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक किताब में इन्होंने लिखा है अमरीका रे अमरीका। तो अमरीका की जो उनकी याददाश्तें थे उन्होंने कलम बंद कर दी, और जो जो तस्वीर उनको दी गई थी, जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होती इक्का दुक्का लोग दे देते हैं तस्वीर की कापी, वो उनके पास थी, उन्होंने उस किताब के अंदर डाल दी। और उस पर तुर्रा इम्तियाज़ ये हुआ कि जब अमजद फहमी की किताब तक याबदी ने 2 साल पहले तहरीर की और उसका डेब्यू यानी उसका जब रुनुमाई हुई, तो उसमें ये जाहिर हुआ कि तकी ने सिर्फ वही मवाद जो उनके पास था वही नहीं बल्कि और भी जहाँ से जो कुछ मिल सकता था। अच्छा, उसमें कोई भी दौर हाजिर का शायर ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर वहाँ नहीं है, अमजद के साथ या किसी मुशायरे में जहाँ अमजद भी मौजूद थे। तो ये बड़ी, अब हमें एहसास इस वक्त शायद इस बात का ना हो, लेकिन आज से 10-15 बरस बाद जब लोग उन चीज़ों को देखेंगे कहेंगे हाँ देखिए हसन साहब भी कोई थे, डॉक्टर शफीक भी कोई थे, डॉक्टर अब्दुलरहमान अब्द भी कोई थे, फराह कामरान भी कोई थी। तो इस तरह की चीज़ें जब रिकॉर्ड पे आ जाती है और मोतबार ज़राए थे और अच्छे तरीके से पेश की जाती हैं, तो उनकी एक अपनी हैसियत जो है, जो शायरी का जो उनका ज़खीरा है और उसका लुब लुबाबा अगर मुझे कहीं 4 पेजेस में करना पड़े तो मैं उसका ही खलासा नहीं निकालूंगा कि उनका ख्याल जो था, जो तसव्वुर था या उनकी जो इजहार था, उसका महवर मोहब्बत रही है। तो उस पर कई लोग जो हैं, कई शुरा जो हैं उससे मुतहरक हुए, उन्होंने उस हवाले से कई नज़में कही। मैंने भी उनके कई लोगों को इंस्पायर किया है कि इस मौजू पर बात की जाए। तो इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि उनकी एक हल्की सी जो नज़्म जो है मोहब्बत के हवाले चाहे इशारा के लिए, वो जो है वो उसके चंद इशार पढ़ के फिर मैंने जो मोहब्बत के हवाले से एक नज़्म कही है, मैंने कई नज़में कही हैं उससे मुतासर होकर। मुतासर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल तलाश कर रहा था जो मिल नहीं रहा था। इस्तफादा को छोड़ दिया। हाँ इस्तफादा तो नहीं नहीं वो मुतासर होता है तो फिर आपने ख्याल जो उसके अंदर के होते हैं वही बाहर आते हैं। ये अमजद भाई कहते हैं मोहब्बत ऐसा नगमा है जरा भी झोल हो लय में तो सुर कायम नहीं होता। बहुत जबरदस्त है। मोहब्बत ऐसा शोला है हवा जैसी भी चलती हो कभी मदहम नहीं होता। क्या बात है। फिर कहते हैं मोहब्बत ऐसा रिश्ता है कि जिसमें बंधने वालों के दिलों में गम नहीं होता। क्या खूबसूरत बात है। और फिर कहते हैं मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सब्ज रहता है कि जब मौसम नहीं होता। वाह वाह वाह। और फिर कहते हैं मोहब्बत अच्छा मोहब्बत ऐसा रिश्ता है अगर पैरों में लर्जिश हो तो ये महरम नहीं होता। क्या बात। तो देखें इन्होंने उसके 5 पहलू बयान किए हैं, बिल्कुल, लेकिन जो नुकात सामने लाए हैं कमाल के। अच्छा, अब मैं अपने चंद अशार जस्ट उन्हीं के लिए, उन्हीं जस्ट उनको क्रेडिट देने के लिए मैं कुछ सुना देता हूं जी। इसका है उन्वान है मोहब्बत को अगर समझो तो पहला मतलब कहीं उम्मीद का साया कहीं ख्वाबों की बस्ती है और यही महवर जमाने का यही सामान्य हस्ती है। मोहब्बत का भला हो जिंदगी में जिससे मस्ती है। और आगे है मोहब्बत का करिश्मा है सितारे सैर को निकले जमीन घूमना सीखा। क्या बात है। मोहब्बत का करिश्मा है सितारे सैर को निकले जमीन घूमना सीखा सबा को छेड़ना आया गुलों ने झूमना सीखा। क्या बात है। बहुत अच्छा। और तबस्सुम ने नबू पाई लबों ने चूमना सीखा। चूमना सीखा। मोहब्बत को अगर समझो यही कानून फितरत है यही तस्वीर जन्नत है यही सामान राहत है। बहुत अच्छे। ये गर्दो पेश के मंजर मोहब्बत की करामत हैं मोहब्बत से इबारत हैं मोहब्बत की इनायत है। वाह। यहाँ हर नक्श हर तस्वीर का उनवा मोहब्बत है
यहाँ हर नक्श हर तस्वीर का उन्वा मोहब्बत है, अगर जाने कोई हर दर्द का दरमा मोहब्बत है, यहाँ पे है अगर कुछ काम का सामा मोहब्बत है। ये मोती है कभी हीरा, कभी शबनम कभी शोला, कभी मजनू कभी रांझा। क्या बात है, वाह वाह। तपश सूरज में इसकी, चांद तारों में ललक इसकी, रुखे हस्ती के हर एक नक्श में वाजे झलक इसकी, जो पहचानो हुकूमत है जमीन से ता फलक इसकी, मिटाए मिट नहीं सकता, छुपाए छुप नहीं सकता, दबाए दब नहीं सकता मोहब्बत, ऐसा जज्बा है। ऐसे ही है, बहुत अच्छा। मिटाए मिट नहीं सकता, शुक्रिया, मिटाए मिट नहीं सकता, छुपाए छुप नहीं सकता, दबाए दब नहीं सकता मोहब्बत, ऐसा जज्बा है जिसमें दास्तां सबकी मोहब्बत वो फसाना है। मोहब्बत खालिक व मखलूक में एक पाक रिश्ता है। क्या बात है, यही दुनिया यही उकबा, इसी का चार सू चर्चा, यही है अब्द का किस्सा, जिसे देखो इसी गुलजार के दामन में पलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता। उस पर मैंने आज ही सुबह कुछ कहा है, मैं ये खत्म करने से पहले कहूँगा, करके उजाड़ महफिलें अमजद चले गए, करके उजाड़ महफिलें अमजद, उल्फत की शमें क्या जलें अमजद चले गए, और हैं गर्दो बाद शबनमी हर गुल उदास है, नोहा कुना है बुलबुलें अमजद चले गए, और शेरो सुखन जबानो बयां फिक्रो फन अदा, इसमें अमजद भाई के जो पहलू है ना अदबी, शेरो सुखन के जबानो बयां के फिक्रो फन के और फिर अदाकारी भी जो उन्होंने की, शेरो सुखन जबानो बयां फिक्रो फन अदा, तय करके सब ये मंजिलें अमजद चले गए। तो जाहिरी बात है कि दुख तो होता है किसी रफ़ी के ख़ास के जाने का, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे और उनके लिए उनके दवाइकीन के लिए आसानियां पैदा करे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुलरहमान, आप बहुत खूबसूरत बातें आप उनके हवाले से कर रहे थे। ज़फ़र इकबाल साहब उनकी दो चीज़ें दो तख्लीक़ात एक नज़म और एक गज़ल पेश करेंगे, अमजद इस्लाम अमजद का कलाम बज़ाबान ज़फ़र इकबाल सुनते हैं। ज़फ़र इकबाल न्यूयॉर्कर। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, गोशवारा है, अजब असूल है इस कारोबार दुनिया के, अजब असूल इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है, हिसाब उम्र जो तुमने ठान ही ली है, हमारे दिल से निकलोगे तो इतना जान लो प्यारे, समंदर
सितारे जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा है, गवाही देने आएंगे पुराने कागजों की बालकोनी से बहुत से झांकेंगे तुम्हें वापस बुलाएं।